हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। जी हाँ, इससे पहले मैंने लेक्चर पढ़ाया था आपको पार्ट 1, इसमें हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। दो तरीके के मेन प्रोजेक्टाइल मोशन हमने यहाँ डिस्कस करने हैं। एक वो जिसमें किसी भी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो अंडर ग्रेविटी जब वो मोशन करती है तो इस तरीके से जो मोशन करती है अंडर ग्रेविटी, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और पैरेलल के अलावा अगर उसे किसी हॉरिजॉन्टल से किसी सर्टेन एंगल पे फेंका जाए इस तरीके से, तो वो ऐसे जाके ऐसे जाती है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये दोनों पार्ट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ऐसे फायर करेंगे तो ये ऐसे जाते 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 ऐसे जाएगी। तो हमने सबसे पहले तो प्रूफ करना होगा कि इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। दूसरा, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी रेंज, उसकी वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे और साथ साथ में कुछ बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट्स बताने वाले हैं। और अगर आपने पीछे का लेक्चर अटेंड नहीं किया इंट्रोडक्शन, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे का लेक्चर अटेंड करके आइए, तो ये वाला पार्ट और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में कि प्रूव दैट अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। डेरिवेशन को तो अभी थोड़ी देर के लिए गोली मारो, पहले बात कर लें सर ये पैराबोलिक पाथ क्या चीज़ होती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अब डिटेलिंग होने वाली है पैराबोलिक पाथ को लेके। पैराबोलिक पाथ क्या होता है प्यारे, जैसे आपको मैंने बताया कि किसी भी बॉडी को, प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से ऐसे फेंकें तो ये जो ऐसा पाथ कवर हो रहा है, या थोड़े और एंगल से फेंक दें इस तरीके से, हमने कम एंगल से फेंका तो ऐसे गई, थोड़ा और एंगल बढ़ा दें इस तरीके से, ये थीटा एंगल और बढ़ा दिया तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगी, ये शेप कह लें या ये शेप कह लें, ये सारी ये जो शेप होती हैं इसे हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, पैराबोला कहते हैं। मैथ्स में बच्चे जैसे अलग अलग शेप्स पढ़ाई जाती हैं आपको, 10th क्लास में आपको सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन पढ़ाई गई थी, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी ये सर्किल होती है, ऐसे ही ये आपको याद करना है पैराबोला होती है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इस तरीके से ये कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऐसे बनाई थी, सर्किल इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही पैराबोला कुछ इस तरीके की उल्टा बनाओ तो ऐसा, इस तरीके से सीधा बनाओ इस तरीके से ऐसा, या फिर इस तरीके से ऐसा बनाओ, ये सब पैराबोलिक शेप्स हैं। तो हमें यहाँ पे इस पार्ट में प्रूफ करना है कि किसी भी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो अंडर ग्रेविटी वो कैसा पाथ फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ कवर करती है, और वो भी कौन, कब, जब हम उसे किसी सर्टेन हाइट से वो भी हॉरिजॉन्टली फेंकें, तो ये तो ग्राउंड से फेंका था थीटा एंगल पे नहीं, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल फेंकें, तो ये जो पाथ है ये इस तरीके से पैराबोला का एक पार्ट होगा। जैसे देखिए पैराबोला मैंने यहाँ बनाया है, तो ये एक पैराबोला का पार्ट है, ऐसे ही ये पैराबोला का पार्ट होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। बात आई सर ये कैसे प्रूफ करें कि ये पैराबोलिक पाथ है, हम समझ तो गए देखने में ऐसा पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करें। बच्चे बहुत डिटेल में बेसिक से जाके आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत धैर्यता से पेशेंस से इस चीज़ को समझना क्या होता है, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है। तो उसके लिए आप जान लो बेटा, मैथ्स में जो रेगुलर शेप्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गई, आपकी एक सर्किल हो गया, आपका पैराबोला हो गया, इनकी ना अपनी इक्वेशंस होती हैं, जिन इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करो तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही शेप बन के आएगी जिस शेप की वो इक्वेशन है। मतलब कहने का कि जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कहीं पे इस तरीके से लिखा है कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 5,
आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहा गया था कि इसको इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पे प्लॉट करो। तो कैसे प्लॉट करते थे ग्राफ पे, आप इस तरीके से ऐसे लेते थे एक्स वाई, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लेते थे कि एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 2 ली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे यहाँ पे जब रखते थे फिर क्या होते थे, मैं अपने मन से ले लूँ जैसे चलो एक्स की वैल्यू 1 रख दें अगर यहाँ पे, तो ये 2 बन जाएगा, 2 उधर जाके ये आ जाएगा 7, 2 रखें तो 2 2 जा 4 ये बन जाएगा 9, 3 रखें अगर x की वैल्यू तो 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा 11। ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाते थे कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 7, एक कोऑर्डिनेट बना लिया इस तरीके से। ऐसे ही 2 और 9 का एक कोऑर्डिनेट बना लिया, ऐसे ही 3 और 13 का कोऑर्डिनेट बना लिया, ऐसे कोऑर्डिनेट्स बना लेते थे और फिर उसको ज्वाइन करते थे तो कैसी शेप आती थी, स्ट्रेट लाइन आती थी कि नहीं आती थी, आती थी कि नहीं आती थी, बिल्कुल आती थी। इसका मतलब ये है कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन अगर दे रखी होगी, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, लीनियर का मतलब जहाँ पे एक्स की पावर भी 1 होगी वाई की पावर भी 1 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉटेंगे तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ऐसे ही कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई होगी, जैसे कहीं पे इस तरीके से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अगर ऐसी इक्वेशन को इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स बना के एक्स और वाई के प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो प्लॉट जब करोगे तो पता है 4-5 पॉइंट्स अगर ऐसे प्लॉट करोगे तो आप उन सबको अगर ज्वाइन करोगे तो पता है ज्वाइन करने पर ये कैसी शेप बनेगी, जी हाँ सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बोथ जो पूरा दोनों दोनों स्क्वायर्स हो, सच टाइप ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ऐसे ही पैराबोला की भी अपनी एक इक्वेशन होती है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें y की पावर 1 हो और x की पावर 2 हो, ऐसी कोई भी इक्वेशन, चाहे यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, नंबर कोई भी लिखा हो लेकिन x की पावर 2 और y की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स बना के तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। या तो x की पावर 1 हो y की पावर 2 हो, या फिर x की पावर 2 हो y की, दोनों में से किसी की भी पावर 1 होनी चाहिए, एक की 1 एक की 2, तो दैट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अभी ऐसा क्यों है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, वो तो मैथ्स में 11 12th में अगर किसी ने मैथ्स ली है पूरा पैराबोला का एक चैप्टर है वहाँ पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी फिजिक्स में हमें सिर्फ इतना दिमाग में रख लेना है कि अच्छा भैया जैसे ये वैसे ये अगर x की पावर 2 y की पावर 1 आ जाएगी तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसी इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, तो अगर हमें आगे इस डेरिवेशन में अगर ये प्रूफ करने को आ रहा है कि प्रूफ करिए कि एक बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका तो ये जो पाथ कवर करेगी ये पैराबोलिक पाथ होगा, तो हमने क्या करना होगा, हम उसके मोशन की, उसकी ट्रेजेक्ट्री की, उसके पाथ की इक्वेशन निकालेंगे। उसकी इक्वेशन वाई और एक्स के टर्म्स में निकालने पर अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, यानी एक्स में क्वाड्रेटिक होगी वाई की इक्वेशन, देन हम सीधे से लिख देंगे दस दिस इक्वेशन शोज दैट द पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए ये समझ पा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेरिवेशन। ओके प्यारे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी है, 5 रख लें, 10 रख लें, कुछ भी रख लें, 20 रख लें, 25 रख लें, वो सर्कल डिनोट करेगी दोनों अगर एक्स और वाई में स्क्वायर होंगे, दोनों में लीनियर होगी एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन आप ऑलरेडी 10th क्लास में बना चुके थे, प्लॉट कर चुके थे। एक बार अगर दोनों का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू समथिंग, उसकी इक्वेशन से आप कोऑर्डिनेट्स बनाओ ग्राफ पे और खुद करके देखो क्या वाकई में सर्कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अच्छा प्रैक्टिकली करके देखें तो भी यही आ रहा है। फिलहाल चलिए पैराबोला की तरफ आ जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल विल बी पाथ विल बी पैराबोलिक इन नेचर। कैसे प्रूव है, देखिए प्यारे, तो ये इस तरीके से डायग्राम आप बनाएंगे। ये आपने कोई एक बॉल ली है, ठीक है, जो ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टली फेंकी है, किस स्पीड से, यू स्पीड से,
ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे रखी हुई है इस तरीके से, कितनी हाइट पे, लेट द हाइट बी h, ये h हाइट से इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है। तो आपको पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में, किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो उसका मोशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वो आगे भी जाता है और नीचे भी जाता है, आगे भी नीचे भी। हॉरिजॉन्टली जो ट्रैवल करती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आगे ऐसे जाएगी तो हर पॉइंट पे एक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और हर पॉइंट पे एक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, उधर की तरफ कोई खींच ही नहीं रहा है, तो उधर वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यू 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 यू। लेकिन वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है वो अर्थ की फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन होगी, जिसकी वजह से उसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ तो थी ज़ीरो, यहाँ थोड़ी बढ़ जाएगी, यहाँ और बढ़ जाएगी, यहाँ और बढ़ जाएगी, यहाँ और बढ़ जाएगी। तो मैं इस तरीके से इस वेक्टर की लेंथ से दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो इसे आगे ले जाएगा बॉल को, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट नीचे ले जाएगा। तो ये इस तरीके से आगे भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। हर जगह दो कंपोनेंट्स लग रहे होंगे, एक इधर वेलोसिटी, एक इधर वेलोसिटी, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बीच में आएगा, इसलिए ये बॉल बीच में जाएगी। इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट बीच में आएगा तो इसलिए ये बॉल फाइनली बीच में इस पाथ को ओबे करती रहेगी। तो हमने ये निकालना है, प्रूव दिस पाथ इज पैराबोलिक। तो बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां इस पूरे चैप्टर में जितने भी डेरिवेशंस और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर इस ट्रिक से आप करेंगे तो चुटकियों में बिना ज़्यादा दिमाग लगाए 99% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं। वो ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले कॉपी में दो कॉलम्स बना लो, एक तरफ लिख लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ लिख लो वर्टिकल कंपोनेंट्स। इससे क्या फ़ायदा होगा देखिए ज़रा, क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लिख लीजिए USA, है ना, USA T, USA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है, इसलिए दोनों चीज़ें हमने लिख ली। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वर्टिकल मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स को डिनोट करने के लिए नीचे एक्स लगा देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए नीचे वाई लगा देंगे। टी में एक्स और वाई नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जो एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग हैं, लेकिन टाइम स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो एक्स और वाई में बिल्कुल इसका टाइम सेम होगा। टाइम सेम होने का मतलब ए से बी तक जाने में, ए से सी मान लो, चलो बी यहाँ लिख लो, ए से सी तक जाने में इसने कुछ हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल किया है OC, और वर्टिकल में डिस्टेंस ट्रैवल किया है AO। तो जितना ये आगे जाने में इसे जितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, टाइम सेम होगा, इसलिए दोनों जगह T लिखा है। अब चलिए वैल्यू डालिए, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यहाँ से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऑब्वियसली यू वेलोसिटी से आपने फेंका था। जबकि इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पे तो वर्टिकल में कोई कंपोनेंट ही नहीं था इनिशियली, वो तो आगे गई तो अर्थ खींचने लगी उसे, लेकिन इनिशियली तो हमने सिर्फ इसे ऐसे फेंका, वर्टिकल में कोई भी वेलोसिटी नहीं दी थी, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी आपकी जीरो। डिस्टेंस बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ, हम यहाँ ए से बी तक का या ए से सी तक का ये मोशन ले लेते हैं, चलिए हम ए से बी तक का ये मोशन ले लेते हैं। ए से बी जाने में अगर देखा जाए, ए से बी जाने में इसने इतना हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चला एक्स, जबकि वर्टिकल में जितना डिस्टेंस चला उसे हम डिनोट कर दे रहे हैं वाई से, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्टेंस चला, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्टेंस चला। तो चलिए डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए टू बी की सारी चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे, कितना है एक्स, जबकि वर्टिकल में नीचे की तरफ डायरेक्शन है वो डिस्टेंस है वाई।
एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा जीरो लिखनी है। पिछले लेक्चर में बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वेलोसिटी हर जगह यू 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 वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है इक्वल टू जी, नीचे जा रही है तो प्लस जी, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस जी। फिलहाल क्या करना है, सिंपली इधर से टी निकाल के इधर डाल देना है क्योंकि टी टी सेम होगा, तो ये हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ सब जगह एक्स एक्स आएगा तो ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो टी आपके पास आ गया एक्स अपॉन यू। ये टी की वैल्यू यहाँ डालेंगे, यहाँ पर भी फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ सब वाई वाई आएगा तो ये एस वाई हो गया आपका वाई, यू वाई आपका जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, एक्सेलरेशन की जगह जी और टी की जगह हम ये डाल देंगे एक्स अपॉन यू और उसका स्क्वायर भी है तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अरे आप साफ साफ देखिए, सिंस इक्वेशन ऑफ वाई इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स में देखिए क्वाड्रेटिक एक्स की पावर टू है, यानी मतलब वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स की पावर टू वाई की पावर वन, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ पैराबोला। ऐसी कोई इक्वेशन कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है जिसमें एक्स की पावर टू और वाई की पावर वन हो, पैराबोला। ये इक्वेशन हमने इसके लिए निकाल रहे थे, ये तो पैराबोला की आ गई, इसका मतलब ये पाथ भी पैराबोलिक है। यहां पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ वाई इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, दस द मोशन इज द पाथ इज या द ट्रेजेक्ट्री इज, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, जो पाथ है द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये सिंपल सी डेरिवेशन है, समझाने में मेरे को इतना टाइम लगा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन अगर आप ऐसे करके करोगे ये इक्वेशन दो मिनट के अंदर डिराइव हो जानी है। तो प्यारे नोट कर लीजिए इसे, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। ओके प्यारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे समझ में आ रहा है और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। चलते हैं आगे प्यारे, अभी हमने ये तो निकाल लिया कि ये पैराबोलिक पाथ होगा, अभी हमने ये भी प्रूफ करना है या कह लें डिराइव करना है एक्सप्रेशंस फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होती है, नाम से ही पता चल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट नोट कर लीजिए द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, रिमेन्स इन एयर मतलब टक्कर खाने से पहले छोड़ने के बाद जितनी देर तक वो हवा में रहती है फ्लाई करती रहती है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पूरा ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका एक्सप्रेशन निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, काम वही करेंगे, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, पहले हॉरिजॉन्टल रेंज भी सुन लीजिए क्या है ताकि आप जान जाएं कब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेंगे कब वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, आप ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल जहाँ से फेंकी है और जहाँ जाके टच करी है ग्राउंड पे, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच द प्रोजेक्टाइल कवर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक वो उड़ रही थी हवा में चल रही थी उतनी देर में हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैसे देखते हैं, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, लेकिन पहले हमने ए से बी लिखे थे, अब की बार हम ए से सी लिखेंगे क्योंकि पूरा ए से सी तक का टाइम निकालना है, वही चीज़ें लिख देते हैं हम यू एस ए टी। बताइए वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ सब चीज़ें वाई लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितनी है जीरो, डिस्टेंस पूरा ए से सी जाने में वर्टिकल डिस्टेंस पूरा लेंगे यहाँ से पूरा कितना है एच,
तो यहाँ पे लिख दिया एच, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो होती ही है, प्लस जी, टाइम हमने निकालना है पूरा ए से सी तक जाने में जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं जो हमने निकालना है। इक्वेशन कौन सी लगेगी, वी नहीं सॉरी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई वाई वाई, ये हो गया एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो गया, टू ऊपर गया जी नीचे आया, टू एच अपॉन जी, तो टी आपका हो गया अंडर रूट टू एच अपॉन जी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चे ये एग्जाम में डिराइव करने को ये वाला नहीं आता है जनरली जो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे फायर्ड एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि कैसे निकालना है ताकि आगे आपको करने में आसानी हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लें तो न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे, नहीं तो इस मेथड से बिना कुछ याद करे डायरेक्ट चुटकियों में निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज डेफिनेशन बताई है मैंने, जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है प्यारे तो सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिखेंगे। चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिखते हैं, वही यू एस ए टी, हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं तो सब जगह एक्स एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा, इज इक्वल टू, ठीक है। यू एक्स बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, यू, ठीक है। डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन टोटल ए से सी ले रहे हैं सारी चीज़ें, तो ए से सी अगर डिस्टेंस देखें हॉरिजॉन्टल में तो पूरा ये डिस्टेंस चला है ए से सी, जिसे हम रेंज कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं, जिसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में हमेशा बिना आप सोचे समझे लिख देना जीरो, और पूरा ए से सी जाने तक जो टाइम लगा है वो तो टाइम हमने निकाल ही लिया है, वो आपका टी के बराबर है जो कि कितना है अंडर रूट टू एच अपॉन जी, तो यहाँ पे लगा दीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया आपका आर इज इक्वल टू यू, यहाँ सब वाई वाई आएगा, ठीक है, और ये यू वाई आपका यू हो गया, और टी की जगह पूरा ये लिख दें कितना टू एच अपॉन जी, तो और ए वाई की जगह जीरो करेंगे तो ये सब जीरो हो गया, तो आर का फॉर्मूला आ गया, ये यू बाहर है ये अंदर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये काम कर सकते हैं इस यू को अंदर ले जाएं अंडर रूट के तो सब चीज़ें अंडर रूट में हो जाएंगी, लेकिन फिर यू नहीं यू स्क्वायर लिखा जाएगा, तो ये बन गया आपका रेंज का फॉर्मूला टू एच यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। याद करना चाहें कर लीजिए, अच्छा रहेगा, एमसीक्यूज आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे निकाल पाएंगे, और नहीं तो मेथड से तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आ ही जाना है, ठीक है प्यारे। अब बात आई, साफ साफ आप देख रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट पर डिपेंड कर रहा है, रेंज हाइट और इनिशियल वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट, हमने इनिशियली किस वेलोसिटी से फेंका था, वो तो यू थी, लेकिन आते 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 यहाँ पर बी पे या सी पे इसकी क्या वेलोसिटी हो गई, अगर वो हमने निकालना है तो कैसे निकालें। बी पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट बी निकालना है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ए से बी लेंगे, जनरली कोई भी पॉइंट हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ जो वेलोसिटी है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, लेकिन आगे जाते जाते यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसे v से डिनोट करेंगे, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी जीरो और x डायरेक्शन में थी x, लेकिन यहाँ आके फाइनल वेलोसिटी v x डायरेक्शन में, तो आपको पता है अरे u ही रहेगी हर जगह u u u u, जबकि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में vy, वो हमें पता नहीं है देख लेंगे, लेकिन अगर vx और vy है आपके पास तो इन दोनों की हेल्प से v निकाल लेंगे। वेक्टर्स में आपने पढ़ा है दो वेक्टर्स जो कि 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट बीच में आता है, जिस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी एक्स तो हमें डायरेक्टली पता ही है, वी एक्स तो हमें पता ही है u है, वी वाई और निकाल लेंगे। वी वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वर्टिकल में निकालना है तो a से b के वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, यू वाई आपको पता है
जीरो। अभी एस वाली मत लगाइए, फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपका बन जाएगा वी वाई, तो हमने निकालना है। जबकि एक्सेलरेशन इन वाई होती है जी और टाइम ले लेते हैं टी, तो इक्वेशन बनी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी स्क्वायर। तो वी वाई कितना बन गया आपका अंडर रूट, सॉरी ये जी टी बना, तो वी वाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे, गलत हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल टू आपका बन गया जी टी, इस जी टी आ गया। अभी यहाँ पे डाल दीजिए वी एक्स की जगह डाल दीजिए u और वी वाई की जगह डाल दीजिए आप जी टी, तो जी टी करेंगे जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कई न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी पूछेंगे, तो ये या तो डायरेक्ट फॉर्मूला करके डाल दीजिएगा या भैया जो जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वी एक्स अलग निकालिएगा वी वाई अलग निकालिएगा और फिर वैल्यूज डाल के ऐसे कर दीजिए, फॉर्मूला कर लेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो स्टेप बाई स्टेप जैसे न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा वो आप देखेंगे ही देखेंगे आगे। एक चीज़ और है प्यारे, इसमें ये भी पूछेंगे कि जैसे जो फाइनल वेलोसिटी है चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, ये फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, लेट से बीटा, बीटा निकालने को आ गया तो सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे टेन बीटा, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे आप देखिए यहाँ ये मैं बना दे रहा हूँ, आपका एक ये बना है, एक ये बना है, ये था आपका वी वाई, ये है वी एक्स जो कि यू के बराबर है, और ये आया है आपका वी, आपको ये बीटा निकालना है, तो आप देखिए टेन बीटा इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, परपेंडिकुलर इसके बराबर होगी वी वाई के बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे जब, तो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी की जगह वी वाई और बेस की जगह वी एक्स, तो वी वाई अपॉन वी एक्स करके आप टेन बीटा भी निकाल सकते हैं जिससे बीटा आ जाएगा। वी वाई की जगह चाहिए लिख दीजिए, वी वाई की जगह जी टी लिख दीजिए, वी एक्स की जगह यू लिख दीजिए, इससे बीटा निकाल लेंगे क्या करके टेन इनवर्स करके। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कैसे निकालते हैं टेबल से, उसका एक लेक्चर है, मैंने पूरा अलग से समझाया है बढ़िया से कि टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, चैनल में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, ढूंढ के अगर नहीं पता है तो वो ज़रूर अटेंड कर लीजिए। फिलहाल प्यारे ये तीन चीज़ें समझ में आ गई हैं, पॉज करिए, कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ अपने आप करिए, उसके बाद प्रैक्टिस पूरा का पूरा ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं किसी एक नए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पे। ओके प्यारे, ये आ गया आपके आगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्या है पढ़िए समझिए, बहुत ही अंदर की बात यहाँ पे समझ में आने वाली है। कह रहे हैं कि एक फ्लाइंग एरोप्लेन है, इट इज़ बॉम्बार्डिंग बॉम्ब्स ऑन एन एनिमी पोस्ट, ऐसे एरोप्लेन उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और चलते चलते नीचे से बॉम्ब छोड़ता जा रहा है, ऐसे बॉम्ब ड्रॉप करता जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं स्टेट द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉम्ब इन द फॉलोइंग केसेस। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, मतलब कि जब वो ऐसे उड़ता हुआ चलता हुआ एरोप्लेन ऐसे बॉम्ब छोड़ेगा तो बॉम्ब का जो पाथ होगा उस पाथ की शेप कैसी होगी इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो सामने कहीं ग्राउंड पे खड़े हुए वो बॉम्ब्स को देख रहा है उसे कैसा दिखाई देगा, और दूसरा उसके अंदर बैठे पायलट को वो बॉम्ब किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे वो देखेगा बॉम्ब को नीचे की तरफ तो उसे कैसा दिखाई देगा। अब देखिए पहले पॉज करके अपना दिमाग चलाइए कि क्या होगा आंसर इसका, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो गिव अ पॉज फॉर अ हाफ मिनट और वन मिनट, उसके बाद आगे देखिए। फिलहाल देखिए क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो आपको मालूम है कि जैसे एरोप्लेन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब चलते हुए एरोप्लेन में इस तरीके से कोई चीज़ लगी हुई है, ये देखिए ये ऊपर एरोप्लेन है और ये बॉम्ब लगा हुआ है इसके नीचे। ठीक है, ये बॉम्ब लगा हुआ है, या ये लीजिए ये, चलिए ऐसे ले लेते हैं, ये बॉम्ब लगा हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए अगर एरोप्लेन रुका होता हवा में और बॉम्ब को छोड़ते तो ऑब्वियसली बॉम्ब बिल्कुल सीधे नीचे गिरता, लेकिन एरोप्लेन रुका हुआ तो है नहीं, ना ही एरोप्लेन रुका हो सकता है कभी,
तभी हवा में, हेलीकॉप्टर रुका हुआ हो सकता है लेकिन एरोप्लेन रुका हुआ नहीं हो सकता, वो तो हवा में उड़ेगा ही उड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन में अगर चलता हुआ एरोप्लेन बॉम्ब छोड़े तो क्या बॉम्ब सीधे गिरेगा? नहीं। देखिए मैं हवा में इस तरीके से एरोप्लेन को चला रहा हूँ, ऊपर वाला ये एरोप्लेन है, इस तरीके से एरोप्लेन की तरह ही लग रहा है, वाह क्या बात है, इस तरीके से एरोप्लेन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और चलता हुआ एरोप्लेन नीचे के बॉम्ब को छोड़ेगा सिर्फ, ठीक है, रॉकेट फायर नहीं करेगा कि रॉकेट आगे जा रहा है, सिर्फ छोड़ेगा। ये देखना चलते हुए एरोप्लेन ने बॉम्ब छोड़ा तो बॉम्ब ऐसे आगे गया, देखा आपने, सीधे नहीं गिरा। एक बार स्लो स्पीड करके, इस वीडियो की स्पीड स्लो करके 0.25 करके देखो, जो मैं ये फेंक रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे फेंका, अरे ये देखो आगे गया आगे इस तरीके से। तो ये इसकी जो शेप है ये ऑब्वियसली पैराबोलिक ही होगी, जैसे कि किसी सामने वाले ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये इस तरीके से एरोप्लेन है, ये बॉम्ब छोड़ने वाला है इस तरीके से, ये बॉम्ब की जगह मैंने रॉकेट बना दिया, अरे इसकी पीछे की ये जो वो निकल रही है ना आग, वो हटा दो, ठीक है। ये इस तरीके से, ये देखो ये बॉम्ब उसने इस तरीके से ऐसे करके छोड़ा है, तो ये एरोप्लेन आगे जाता जा रहा है आगे जाता जा रहा है, और बॉम्ब जो छोड़ा है, देखना कि बॉम्ब कहाँ जा रहा है। ये देखो बॉम्ब ऐसे यहाँ था, यहाँ यहाँ ऐसे 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 इस तरीके से, ये देखो ऐसे आ गया, देख पा रहे हो इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री ये किस तरीके की है, ऑब्वियसली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोले। ये तो आपको सामने से बैठी हुई दिखाई दे रही है, यानी टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, लेकिन वो जो पायलट इसके अंदर बैठा हुआ है, वो नीचे शीशा लगा हुआ है उसके फ्लोर पे, ऐसे शीशे में देखे कि वो कहाँ जा रहा है, तो पता है उसको कैसा दिखाई देगा? उसको उस बॉम्ब का जो पाथ है, ये पीछे से आग हटा देना, आग हटा देना, आग लगेगी तो सीधे भाग जाएगा वो, ठीक है, ये सिर्फ बॉम्ब है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसको जो दिखाई देगा बॉम्ब, वो पता है कैसे दिखाई देगा? वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अरे सर वो तो आगे जा रहा है, सर उसे नीचे कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल उसे नीचे दिखाई देगा। देखो इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे ये राज है, ये देखिए, ये जैसे एरोप्लेन था, इसके बॉम्ब उसने छोड़ा ही था, जब बॉम्ब छोड़ा था तो एरोप्लेन के जस्ट नीचे बॉम्ब था, अब जब बॉम्ब छोड़ दिया तो बॉम्ब आगे जा रहा है, ए बी सी डी पोजिशन, मैं पोजिशन लिख ले रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये जा रहा है। अभी आप देखो जब बॉम्ब यहाँ से ए पोजीशन पे आएगा तो एरोप्लेन आगे बढ़ के ए डैश पे आ गया होगा, ऐसे ही जितनी देर में बॉम्ब ए से बी पहुँचेगा एरोप्लेन यहाँ थोड़ी ना रुका रहेगा। अगर एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो जिस अगर एरोप्लेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आर थी तो ये बताओ बॉम्ब जो गिरेगा उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आर ही होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी प्लेन की थी उतनी ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जब छोड़ेंगे तो बॉम्ब आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ जाने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे प्लेन की स्पीड 50 है तो प्लेन 50 की स्पीड से आगे जाता रहेगा अगर कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है, और जो बॉम्ब है बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल स्पीड भी हर जगह कितनी रहेगी? 50 किलोमीटर पर आर। तो जिस स्पीड से प्लेन चल रहा है उसी स्पीड से बॉम्ब भी आगे बढ़ेगा। तो जब बॉम्ब यहाँ आया तो प्लेन ए डैश पे आ गया। अब बॉम्ब देखो कहां आया, बॉम्ब इस तरीके से ए से बी पे आ गया तो ये बी डैश पे आ गया, ये बी से सी पे आ गया तो ये सी डैश पे आ गया, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे। तो देखिए जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल साथ साथ में बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो इसके अंदर पायलट बैठा है इसे हमेशा यहाँ देखेगा तो इसे नीचे दिख रहा था, यहाँ आप देखेगा तो भी इसे अपने नीचे दिखाई देगा, यहाँ देखेगा तो भी इसे हमेशा उसे अपने नीचे ही दिखाई देता रहेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये बॉम्ब बिल्कुल सीधे नीचे गिर रहा है जबकि एक्चुअली में तो वो आगे जा रहा है। लेकिन फिर एक यहाँ पे ट्विस्ट है, इसका जवाब आप लोग देंगे सोच के कि ये अगर प्लेन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब तो उस पायलट को ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा,
लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, आई वॉन्ट टू नो कि कितने बच्चे इसे दिमाग लगा के थोड़ा ज़्यादा अपने आप चला सकते हैं। बताइए, अगर प्लेन जब छोड़ा था तब उसकी स्पीड 50 थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ढाई 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 बढ़ा दी, तो 50, 60, 70, 80 स्पीड बढ़ा दी, बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तब उसे कैसा दिखाई देगा, वो कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? बॉम्ब। पहला केस व्हेन एरोप्लेन इज एक्सेलरेटिंग, एरोप्लेन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसे बॉम्ब कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर एरोप्लेन डिक्लेरेट कर रहा है, डिक्लेरेटिंग, स्पेलिंग सही कर लेना, डिक्लेरेटिंग का मतलब स्पीड अगर उसकी डिक्रीज हो रही है, तो उसे बॉम्ब कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, ये मुझे सोचिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए टाइप करिए और बताइए मुझे इसका आंसर। और एक आपके लिए आ रहा है, एक और को इसका क्वेश्चन, जिसको आपको जो भी मैंने पढ़ाया उस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? बोल रहे हैं ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है और आंसर चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है या नहीं। ये 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 दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से चार में से दो आंसर्स उसके सही हैं। आपको देखना है कि मैच कर रहा है आपका या नहीं कर रहा है। यूनिट यूनिट कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ चेक करिए और देखिए क्या आंसर सही आ रहा है। फिलहाल प्यारे बच्चे, ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, ये कंसेप्ट्स आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं, थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ा दिया है इसका। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे इसके बहुत ही प्यारे प्यारे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स, और गारंटी है कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही फंसेगा। उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। आज हमने किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट थ्योरी के सेक्शन में पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल पर इस तरीके से फेंका जाए तो क्या वो भी पैराबोलिक पाथ होगा, होगा कि नहीं होगा, उसकी डेरिवेशन, उससे रिलेटेड कंसेप्ट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। फिलहाल प्यारे, आज के लिए इतना ही है, जो भी पढ़ाया उसके नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।